Hello students, now in chemical properties we will discuss two tests. One is tolerance test and other is Fehling test. ये जो टेस्ट है tolerance test और Fehling test, इसमें एक tolerance test में obviously tolerance reagent use होगा, that is ammonical silver nitrate solution. Okay, ये हो गया. Okay, अच्छा NO3 लगा दो तो nitrate हो जाएगा, ammonical silver nitrate solution. ये जो है टॉलरेंस रिएजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो कीटोन्स है वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, तो दिस टॉलरेंस टेस्ट एंड ऑल्सो फेलिंग टेस्ट जो कि अभी हम पढ़ेंगे इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए अगर कोई टेस्ट है तो वो कौन कौन से टेस्ट है? टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट. तो जब टॉलरेंस रिएजेंट को, ये टॉलरेंस रिएजेंट हो गया, इसको जब किसके साथ ट्रीट करेंगे? एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे बेसिक मीडियम में. तो आपको क्या मिलेगा? जो भी आपका है रिस्पेक्टेड कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाएगा. मतलब अगर यहाँ पे कोई आर डैश हो तो आर डैश रहता है, यानी रहेगा एच हटा और ओ लग गया. ओके, तो रिस्पेक्टेड कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाएगा आपको, वाटर, अमोनिया और सिल्वर. ये जो सिल्वर है ये डिपॉजिट हो जाएगा नीचे, तो आपको ऐसा ब्राइट ब्राइट सब्सटेंस दिखेगा. ठीक है, तो ये जो सिल्वर की वजह से हमारा क्या हो जाएगा? टॉलरेंस टेस्ट आपका पास हो जाएगा कि एल्डिहाइड जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो गया. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ऑन ट्रीटिंग एल्डिहाइड विद टॉलरेंस रिएजेंट कार्बोक्सिलेट आयन एंड सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड, एंड सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल. ठीक, बट कीटोन के केस में ऐसा कुछ भी रिएक्शन प्लेस नहीं होगी, तो कीटोन इससे ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो पाएगा. कीटोन इससे ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो पाएगा टॉलरेंस रिएजेंट. तो दिस इज द टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन. नाउ वी विल टेक Fehling. नाउ वी विल टेक Fehling टेस्ट. Fehling टेस्ट में दो रिएजेंट होते हैं, एक होता है आपका Fehling सॉल्यूशन ए या फिर Fehling रिएजेंट ए, एक होता है Fehling सॉल्यूशन बी और Fehling रिएजेंट बी. तो इसमें क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट, तो दैट इज एक्वस CuSO4. ओके, एक्वस कॉपर सल्फेट. और दूसरा क्या होता है? अल्कलाइन पोटेशियम सोडियम टार्टरेट. अल्कलाइन पोटेशियम सोडियम टार्टरेट दैट इज रोशेल सॉल्ट. क्या होता है आपका? रोशेल सॉल्ट होता है. तो KNaC4H4O6.H2O. ठीक है, नॉट 4H2O, हाइड्रेटेड KNaC4H4O6. यहां पे भी सेम चीज, सब कुछ सेम रहेगा. आपका क्या है? एल्डिहाइड है. आप इन दोनों को हम इक्वल अमाउंट में मिक्स कर लेते हैं. ए और बी को हम मिक्स कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं Cu2+. ये दोनों को रिप्रेजेंट कर देगा. ठीक है, इन दोनों को हम इक्वल अमाउंट में ले लेते हैं, दोनों Fehling सॉल्यूशन ए को और Fehling सॉल्यूशन बी को. फिर इसको हीट करते हैं इसके साथ. वी विल हीट इट विद एल्डिहाइड. वी विल हीट इट विद एल्डिहाइड. ओके, अल्कलाइन मीडियम. तो फिर से आपका वही एक आपका क्या बनेगा? अब आपका क्या बना? एक हमारा वही बन गया सेम, रिस्पेक्टेड कार्बोक्सिलेट आयन बन गया एल्डिहाइड में. आपका कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड दैट इज, ये कैसा कलर देगा? रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट. ये जो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा यही इस टेस्ट का होगा कि ये हमारा रिड्यूस हो गया और आपका वाटर बन जाएगा. ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट वी विल नॉट गेट इन केस ऑफ कीटोन. दिस रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट वी विल नॉट ऑब्जर्व इन केस ऑफ कीटोन. सो दिस इज हाउ वी गेट द टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग टॉलरेंस टेस्ट एंड Fehling टेस्ट. ये दोनों ही टॉलरेंस रिएजेंट और Fehling रिएजेंट ये किसको ऑक्सीडाइज करते हैं? ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं. बोथ द रिएजेंट आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जब भी एग्जाम में सपोज क्वेश्चन आया, सपोज आपका आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O CH3 और एक आ गया
PH3 थ्री डबल बॉन्ड ओ एच। हाँ, अब इसमें क्वेश्चन आ गया कि भाई टेस्ट दिखाओ, कौन से टेस्ट करोगे इन दोनों को अलग करने के लिए। तो पहले इसकी जगह यहाँ पे PH3 आ जाएगा, PH3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा PH3। ओके, बट ये लिख के आगे क्या लिख दोगे, नो रिएक्शन। ओके, तो दिस इज हाउ वी विल डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स यूजिंग टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट। नाउ वी विल सी ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन मतलब कि हेलोफॉर्म टेस्ट भी इसको कहते हैं, कई बार इसको आइडोफॉर्म आयोडीन हम यूज करते, तो वी ऑल्सो कॉल इट आइडोफॉर्म टेस्ट। ये रिएक्शन ये कब होता है, जैसे कि CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसमें पॉसिबल है। जैसे कि ये मान लो CH3, C डबल बॉन्ड O, H, ये एल्डिहाइड हो गया, इसमें पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो मिथाइल कीटोन्स मतलब कि उसी कीटोन में पॉसिबल है जिसमें उसी कार्बोनिल ग्रुप में एक मिथाइल लगा हो, यहाँ भी कार्बोनिल में एक मिथाइल लगा है, केवल इसी एल्डिहाइड में पॉसिबल है, बाकी किसी एल्डिहाइड में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इथेनॉल में तो ओके हो गया, बट अगर हम प्रोपेनॉल की बात करें तो सी डबल बॉन्ड ओ एच, अब यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एल्डिहाइड में केवल एक ही एल्डिहाइड में पॉसिबल होगा, बाकी एल्डिहाइड में पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, बट इन केस ऑफ कीटोन ये हर उस कीटोन में पॉसिबल है जिस कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक्ड टू द कार्बोनिल या फिर सी डबल कार्बोनिल कार्बन एटम। ठीक है, अब इसको हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम हाइपोहैलाइड। सोडियम जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड, सोडियम हाइपोहैलाइड, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों का ये दिखा दे रहे हैं NaOH। ओके, अब जब इसको NaOH के साथ ट्रीट किया तो क्या हुआ, जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था वो हट जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप हट जाएगा। ओके, तो ये जैसे ये था, इसको हम पूरा R मान लेते हैं। ओके, ये R C डबल बॉन्ड O, मिथाइल ग्रुप हट के यहाँ पे क्या आ गया, O Na आ गया, तो सोडियम सॉल्ट बन गया। ठीक है, जो भी एसिटेट या वॉट एवर सोडियम का आपका एक सॉल्ट बन गया। ओके, और क्या आ जाएगा, CHX3 क्या बन गया, हेलोफॉर्म बन गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, ये आपका C डबल बॉन्ड O था, H था, CH3 हट के क्या लग गया, O Na लग गया, प्लस CHX3 बन गया। ओके, सो दिस रिएक्शन इज ओनली इन केस ऑफ व्हेन आपका जो कार्बोनिल ग्रुप से आपका मिथाइल ग्रुप होगा तभी ये रिएक्शन आपकी टेक प्लेस होगी, वरना ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। अच्छा, अब सपोज कहीं डबल बॉन्ड आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए तो क्या होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज ये है एक कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन, फिर ये डबल बॉन्डेड ओ मान लो, ऐसे करके है। ओके, सो विल इट अफेक्ट, देखते हैं NaOI, सपोज आई दे लेते हैं। हाँ, तो ये सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस ये जो डबल बॉन्डेड ओ यहाँ पे और ये CH3 हटते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एन ए, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप है इससे ये आपका CH3 लगा हुआ है, प्लस आपका CH3 आइडोफॉर्म आपका बन गया। तो दिस इज जनरली इसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। तो ये हमेशा जैसे कि मान लो आपका आ गया इसमें और इसमें, वो करो डिस्टिंग्विश करो, तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ये जो है आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप से, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप इथाइल ग्रुप से अटैच है, मिथाइल से अटैच्ड नहीं है। ओके, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन।
उसके साथ हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कीटोन एल्डिहाइड खत्म हो जाएगी।